हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। कभी कभी हम सभी के साथ अक्सर ये होता है कि ग्रेवी वाली या सूखी सब्जी में नमक तेज हो जाता है। तो यदि आपकी ग्रेवी वाली सब्जी में नमक तेज हो गया हो तो आप आटे की ऐसी गोल गोल लोई बना लें और ग्रेवी वाली सब्जी में ऐड कर दें। सब्जी को 2 से 3 मिनट इस लोई को डालने के बाद अच्छे से 2 से 3 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकाएं, ताकि ये लोई एक्स्ट्रा नमक एब्जॉर्ब कर ले और जब सब्जी खाएं तो उस समय इस लोई को निकाल कर अलग कर दें। ऐसे में हमारी सब्जी का स्वाद अच्छा लगने लगेगा, नमक मीडियम लगने लगेगा और सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि यदि आपकी सब्जी में नमक तेज हो गया है तो आप आलू को ऐसे मोटे मोटे स्लाइस में काट लें और सब्जी में ऐड कर दें। सब्जी को 2 से 3 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकाएं इस आलू को डालकर, तो ये आलू पूरा नमक एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि यदि सब्जी में नमक तेज हुए तो आप इस दही को ऐड कर दें। दही फ्रेश होना चाहिए, थोड़ी सी क्वांटिटी सब्जी में ऐड करने से सब्जी अच्छी लगने लगती है। यदि आप दही नहीं खाते हैं तो आप फ्रेश मलाई ऐड कर दें सब्जी में, तो सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगने लगता है और नमक समझ में नहीं आएगा। यदि आप सूखी सब्जी बनाए हैं और नमक तेज हो गया है तो इस कंडीशन में आप सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा सा बेसन ले लें। बेसन को 2 से 3 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लें। हल्का सा इसको रोस्ट कर लेते हैं तो हमारी बेसन का कच्चापन दूर हो जाता है और सब्जी खाने में स्वादिष्ट लगेगी। सब्जी में नमक भी नहीं समझ में आएगा और सब्जी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। ऐसे बेसन डालकर सब्जी को मिक्स कर लें। यदि आपकी दाल में यदि नमक तेज हो गया है तो आप दाल में लेमन जूस थोड़ा सा ऐड कर दें। लेमन जूस ऐड करने से हमारी दाल अच्छी लगती है और नींबू तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के मैं आपके लिए वीडियोज़ लाती रहती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स।